रामगढ़ विधानसभा सीट के लिए मुकाबला और भी रोमांचक होता जा रहा है। जदयू ने भी अपना उम्मीदवार रामगढ़ सीट पर उतार दिया है। आज हजारों समर्थक के साथ जदयू के उम्मीदवार सुजीत कुमार सिंह ने नामांकन किया। सुजीत कुमार सिंह ने कहा कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे झारखंड में समस्या ही समस्या है। उनका मुख्य उद्देश्य चुनाव जीतने के बाद झारखंड में शराबबंदी कराना है और इसके अलावा गैर मजरूआ और जीएम लैंड जमीन की रसीद जो सरकार ने रोक रखी है उसे फिर से चालू करेंगे और बिहार की तर्ज पर रामगढ़ का विकास करेंगे। प्रकार का अत्याचार हो रहा है, उन अत्याचार के मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं। झारखंड में हम लोग का बहुत सारा मुद्दा है। सबसे पहला मुद्दा है शराबबंदी का। आज क्या है, शराबबंदी के कारण पूरा रामगढ़ विधानसभा कहिए या पूरा झारखंड बर्बाद हो चुका है, सिर्फ शराब पे त्रस्त है। इसलिए हम लोग का मुख्य मुद्दा शराबबंदी का है। हम लोग का फोकस है, नीतीश जी का निर्देश है कि हम लोग अगर झारखंड में आते हैं तो पहला काम शराबबंदी का करेंगे। और साथ साथ में जो हड़िया महुआ चुआने वाले लोग हैं जिनका रोजगार समाप्त हो जाएगा, उन सबको भी 10,000 महीना हम लोग तब तक देंगे जब तक वो लोग स्वरोजगार नहीं हो जाए।